वेलकम टू रोबो इन विंटर्स। हम इस सीरीज के फिफ्थ लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। हम इस वीडियो में पुश बटन की वर्किंग, कनेक्शंस और उसकी कोडिंग को सीखेंगे। ठीक है, तो आपके सामने आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा एक पुश बटन लगा हुआ है ब्रेडबोर्ड पे, और वो ऑर्डिनो से कनेक्ट है। तो पुश बटन दो तरीकों से कनेक्ट किया जाता है, एक तो रजिस्टर की मदद से भी कर सकते हैं आप, और या तो आप चाहे तो ऐसे भी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं जिसमें पुश बटन का एक कॉर्नर ग्राउंड कर सकते हैं और उसकी डायगनल वाले पिन को आप डिजिटल पिन पे कनेक्ट कर सकते हैं। डिजिटल पिन पे किसी भी पिन पे कनेक्ट कर सकते हैं, एज अ इनपुट काम करेगा। ठीक है, जो ये आपका बटन है ये डिजिटल होता है, ये 0 1 देता है, पुश करेंगे तो 0 देगा, छोड़ देंगे तो 1 देगा। तो ये जो पिन्स है आप इस पे किसी भी पिन पे डिजिटल पे लगा सकते हैं, या तो फिर इसमें रजिस्टर की मदद से भी आप इसके कनेक्शंस को कर सकते हैं। एक 1K का रजिस्टर लगा के आप उस पे से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको ये कनेक्शन समझ में आ गया होगा, अब हम इसके कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो कोडिंग स्टार्ट करने के लिए मैं ऑर्डिनो का आईडी खोल देता हूँ। ये आपके पास ऑर्डिनो का आईडी ऐसा दिखेगा। सबसे पहले, जैसे अभी मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, जो आईआर सेंसर था सेम वैसे ही थोड़े बहुत कोडों में एक आध लाइन आपके चेंज हो जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें सीरियल मॉनिटर में चेक करना पड़ेगा कि ये जो आपका बटन है उसको प्रेस करने के बाद क्या वैल्यूज आते हैं, नहीं प्रेस करने पर क्या वैल्यूज होते हैं। ठीक है, तो उसके कोड के लिए हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, void setup curly braces खोला सीरियल डॉट बिगिन लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें सीरियल मॉनिटर पे जाके प्रिंट करना है इसको। तो सीरियल डॉट बिगिन 9600। ठीक है, उसके बाद पिन मोड, बटन कितने नंबर पिन पे लगाया था हमने, 4 नंबर पे लगाया, तो 4, इनपुट। ठीक है, 4, इनपुट। अब इसमें एक ट्विस्ट है, अगर आप बटन में 10K रजिस्टर नहीं लगाते हैं और मेरे जैसा कनेक्शन करते हैं तो आपको एक लाइन और इसमें लिखना पड़ेगा, डिजिटल राइट 4, हाई। मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने उस पर रजिस्टर नहीं लगाया है तो मुझे बटन के स्टेट को पहले हाई रखना पड़ेगा सेटअप से, उसके बाद हमें कोड में उसमें बटन में आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे आप रजिस्टर ना लगा रहे हो तो ये लाइन आपको लिखना बहुत जरूरी है, नहीं लिखेंगे तो आपकी वैल्यूज नहीं आएगी। तो उसके बाद हम लिखते हैं void लूप। अब हमें वही करना है क्योंकि हमारे पास बटन है और इसी बटन पे मुझे क्या करना है कि प्रिंट करना है। तो मैं जैसा आईआर में किया था, इंट डेटा इज इक्वल्स टू डिजिटल रीड 4 नंबर पिन। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, 4 नंबर पिन के जो बटन का पिन है उससे डेटा में आके वैल्यू स्टोर हो गया। अब आपको जो इसका वीडियो है ये कैसे वर्किंग कर रहा है ये आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा छोटे से स्क्रीन में, आप उससे भी देख के समझ सकते हो कि वर्किंग कैसा हो रहा है। उसके बाद हम इसमें करेंगे सीरियल डॉट प्रिंट एलएन, और सीरियल डॉट प्रिंट एलएन में हम करेंगे डेटा को ही प्रिंट करेंगे और डिले लगा देंगे इसमें 1 सेकेंड का। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इस कोड को अपलोड कर देंगे। देखिए, जैसे कोड अपलोड होगा आपको यहाँ सीरियल मॉनिटर दिख रहा होगा इस साइड पर, राइट हैंड साइड पे मैग्नीफाइंग में। तो इसी सीरियल मॉनिटर को ऑन करने के लिए हमने ये वाला सीरियल डॉट बिगिन का कोड लिखा है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो आप सीरियल मॉनिटर ओपन करेंगे तो आपको कोड में कुछ भी प्रिंट होता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो सीरियल मॉनिटर खोलेंगे, अभी देखिए आपको क्या वैल्यूज आ रहा है, 1 1 की वैल्यूज आ रही है, मतलब क्या, आपका जो बटन है वो प्रेस नहीं है। अब इसकी वर्किंग आपको वीडियो में दिख रही होगी, मैं कैसे प्रेस कर करके उसको 0 1 कर रहा हूँ। तो मैं जैसे इसको प्रेस करूंगा बटन को तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे इसको छोड़ूंगा तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों के लिए? चलिए अब देखिए, अब आपको क्या हो गया, बटन की वैल्यू मिल गई है ना, आपको बटन की वैल्यू मिल गई है। तो आप जैसे आईआर में किए तो वैसे इसमें भी कर सकते हैं, इफ डेटा इज डबल इक्वल्स टू 0, मतलब डबल इक्वल्स टू 0 तब होगा जब बटन प्रेस होगा। तो बटन प्रेस पर मैं अगर मान लिया मुझे एलईडी को ऑन करना है तो मैं डिजिटल राइट
एलईडी के लिए आपको लिखना पड़ेगा, एलईडी कनेक्ट कर लेना आप, और एलईडी के लिए लिख लेना पिन मोड, एलईडी जिस पिन पे भी आप कनेक्ट करना चाह रहे हो, 9, 10, 11, 1, 2, एलईडी कनेक्ट करके ये कनेक्शन आप कर लेना पिन मोड 9 कॉमा आउटपुट का, इसी पिन से आपकी एलईडी ऑन होगी। तो फिर हम डिजिटल लाइट में लिखेंगे 9 कॉमा हाई, जब हमारे पास डेटा 1 आएगा तो हाई होगा, और एल्स में डिजिटल राइट 9 कॉमा लो। तो इससे क्या होगा, आपका जब बटन प्रेस होगा तो एलईडी ऑन होगा, जब बटन छोड़ देंगे आप क्लिक नहीं करेंगे तो वो एलईडी लो कर देगा। आपकी इसकी जो वर्किंग है वो आपको राइट हैंड साइड में वीडियो में दिख रहा है, आप उससे समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम अल्ट्रासोनिक सेंसर की वर्किंग को सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।